1999 कश्मीर घाटी बर्फ की चादर ओढ़े हुए थी, जहां एक ओर दुश्मन पाकिस्तान झूठी दोस्ती का दिखावा कर रहा था तो वहीं दूसरी ओर अंदर ही अंदर भारत पर हमला करने का षड्यंत्र भी रच रहा था। इसी षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान ने मई के महीने से ही अपने सैनिकों को घुसपैठ करवाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे पाकिस्तान ने कश्मीर के कारगिल इलाकों में उन तमाम ऊंची चोटी और अहम चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिससे कि भारतीय सेना के ऊपर आसानी से हमला हो सके। भारतीय सेना ने इन घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शुरू किया ऑपरेशन विजय, जिसके तहत एक एक कर सभी अहम चोटियों को पाकिस्तानियों से आजाद कराना अब भारतीय सेना के रणबांकुरों की जिम्मेदारी थी। इस युद्ध को नाम मिला था कारगिल युद्ध। इस युद्ध में लड़ते लड़ते कई माँ भारती के वीर सपूत युद्ध भूमि में बलिदानी हो गए। आज कहानी उन्हीं परम वीरों में से एक वीर की, आज कहानी उस योद्धा की जो बचपन से अपने पिता से वीरता के किस्से और कहानी सुनता आया था, जिसने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया था भारतीय सेना में जाकर देश सेवा करना, और वो सपना उस युवा का साकार भी हुआ था। ये युवा, ये वीर जवान कोई और नहीं बल्कि मेजर विवेक गुप्ता हैं। ये वो जाबाज जवान थे जिनके शौर्य और पराक्रम को सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया। कारगिल युद्ध के अमर नायकों की प्रथम पंक्ति में अमर बलिदानी मेजर विवेक गुप्ता का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। युद्ध के दौरान मेजर विवेक गुप्ता ने जिस तरह अदम्य साहस का परिचय दिया था, उसकी चर्चा युगों युगों तक की जाएगी। कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन ने सामरिक दृष्टि से सबसे अहम चोटी तोलोलिंग पर अपना कब्जा कर लिया था। इस दौरान भारतीय सेना के सामने जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, वो था उस चोटी के दुश्मनों को कब्जे से मुक्त कराना। 12 जून 1999 ये वो दिन था जिस दिन मेजर विवेक गुप्ता ने तोलोलिंग चोटी को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराने के दौरान जो जाबाजी दिखाई थी, उससे दुश्मनों के दांत खट्टे हो गए थे। कमांडिंग ऑफिसर ने मेजर विवेक गुप्ता को तोलोलिंग पहाड़ियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर कराने और वहां पर रिकैप्चर कराने का आदेश दिया था। सैन्य नजरिए से ये काम बेहद ही कठिन और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मेजर विवेक गुप्ता और उनके साथियों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। इस दिन मेजर विवेक और उनके साथियों ने जो साहस दिखाया था, ऐसा जज्बा और साहस शायद ही पहले कभी कहीं देखा होगा। मेजर और उनके साथियों ने मिलकर अभूतपूर्व साहस और जावाजी दिखाते हुए उस पहाड़ी से घुसपैठियों को भगाने पर मजबूर कर दिया। 12 जून की रात मेजर और उनके साथी तोलोलिंग चोटी पर विजय कराने के लिए रवाना हुए। इस दौरान मेजर विवेक का अपने दुश्मनों से आमना सामना हुआ। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन ने उन पर और उनके साथियों पर हमला किया। दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी कि तभी लगातार 2 गोली मेजर को आकर लगती हैं, जिसके बाद मेजर विवेक गुप्ता बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन घायल हालत में भी मेजर विवेक गुप्ता ने 3 दुश्मनों को ढेर कर दिया और बंकर पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इतना ही नहीं, इतनी गंभीर हालत में उनका साहस, या यूं कहें कि उनके अंदर जो देश प्रेम था, उसके चलते उस हालत में भी मेजर विवेक गुप्ता वहां उस बंकर पर जाते हैं और तिरंगा लहराकर अपनी जीत का परिचय देते हैं। ये साहस और ये हिम्मत ही दिखाती है कि मेजर विवेक एक सच्चे देश रक्षक थे। इसके बाद मेजर और उनके साथियों ने 13 जून को इस बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल कर लिया था। मेजर गुप्ता गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वो अंतिम सांस तक दुश्मनों से लोहा लेते रहे। उनके सैन्य कौशल के चलते कई दुश्मन मारे गए और बड़ा क्षेत्र भारतीय सेना के कब्जे में आ गया था। मेजर विवेक गुप्ता का पार्थिव शरीर जब दिल्ली पहुंचा, तो उनके अंतिम दर्शनों के लिए आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। हर कोई अपने नायक को अंतिम सलाम करना चाहता था। बारी बारी से सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेजर विवेक गुप्ता की पत्नी कैप्टन जयश्री भी सेना की ड्रेस में वहां पर पहुंची और अपने अमर बलिदानी पति को सल्यूट किया। इस घटना को कपिल देव ने भी देखा। जैसे ही कैप्टन जयश्री ने सैन्य धुन पर सलामी दी, कपिल देव टीवी के सामने खड़े हो गए और रोने लगे। ये दोनों तस्वीरें जब मीडिया में प्रसारित और प्रकाशित हुई, तो देश में उबाल आ गया।
8 जून 1999 को अपने परिवार को आखिरी पत्र में मेजर विवेक गुप्ता ने लिखा, तुम्हें मुझ पर गर्व होना चाहिए, मैंने जो वर्दी पहनी है अब मैं उसका फर्ज निभा रहा हूँ, अब मैं देश के लिए कुछ योगदान कर रहा हूँ, इस समय मेरा कंपनी कमांडर होना मेरे लिए सबसे बड़ा अनुभव है। लेकिन उनकी अमर बलिदानी के बाद यानी 17 जून 1999 को ये पत्र उनके परिवार के पास पहुंचा था। आपको बता दें, मेजर विवेक गुप्ता का जन्म 1970 में देहरादून में हुआ था। उनके पिता कर्नल बीआरएस गुप्ता भी फौज में थे। उनको बचपन से ही वो शिक्षा दी गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम और माँ भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना उनके लिए गर्व की बात थी। रण क्षेत्र में महान पराक्रम और असाधारण वीरता दिखाने के लिए मेजर विवेक गुप्ता को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। माँ भारती के इस महावीर ने जो अपने लहू से विजय गाथा लिखी, उसे आने वाली पीढ़ियों को सुनाने का दायित्व अब हमारा है। और अपने असली हीरो मेजर विवेक गुप्ता को शिवालिक जर्नल बारंबार नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।